आत्मदृष्टि शाश्वत है, आत्मा परमात्मा सदा है। तो आत्मदृष्टि तो अर्थात अपना आत्मा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना दे, ईश्वर प्राप्ति का निर्णय होते ही सारे दोष मिटने लग जाएंगे। और ईश्वर को छोड़कर दुनिया को पाने की मति बनेगी तो कितने भी साफ सुथरे हो फिर भी कोई पार्ट दोष आ ही जाएंगे, दुख आ ही जाएंगे। नारायण 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 पढ़ो। भुशुंडी जी बोले, हे मुनीश्वर, केवल एक आत्मदृष्टि ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा दृष्टि, व्यवहार दृष्टि होती है, शील दृष्टि होती है, कर्म दृष्टि होती है, भोग दृष्टि होती है। ये भोग मिले तो मैं सुखी रहूं, ये कर्म करूं, ये फल मिले तो मैं सुखी रहूं, लेकिन वो सुख अल्पकालीन होता है। क्योंकि इंद्रियां भी अल्पकालीन, शरीर भी अल्पकालीन, भोग भी अल्पकालीन, तो उसका सुख विकारी होता है, अल्पकालीन होता है। इसीलिए भोग दृष्टि, संग्रह दृष्टि, कर्म दृष्टि, ये सब शाश्वत नहीं है। आत्मदृष्टि शाश्वत है, आत्मा परमात्मा सदा है। तो आत्मदृष्टि तो अर्थात अपना आत्मा परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना दे। अपना लक्ष्य जब तक ईश्वर प्राप्ति का नहीं है तो ऐसे मूढ़ों को सानिध्य मिल जाता है तो भी सब करा कराया खो देते हैं। जिस गुरु के हृदय से आशीर्वाद उन्नति निकलना चाहिए उसी गुरु के हृदय से वो दंड व्यक्ति नालत बरसवा देते, अपना सर्वनाश कर देते। क्योंकि आत्मदृष्टि नहीं है ना, मुफ्त में मिल गया ना आत्मवेता। आत्मदृष्टि नहीं है, लक्ष्य आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का तीव्र नहीं है, समय बिता रहे चलो। नारायण नारायण नारायण, लेकिन लक्ष्य आत्मा परमात्मा का नहीं हो तो ये आत्मवंचना होता है। आत्मवंचना वाला व्यक्ति अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट होता है, न भोगियों में सेट हो सकता है न गुरु भक्तों में सेट हो सकता है। क्योंकि लक्ष्य, लक्ष्य के बिना किया हुआ कर्म बोझा हो जाता है, आत्मवंचना हो जाता है। तो ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बना लेना चाहिए, आत्मदृष्टि का लक्ष्य बना लेना चाहिए कि कुछ भी करके मुझे शाश्वत सुख पाना है, कुछ भी करके मुझे जन्म मरण से पार होना है। जो शरीर मर जाएगा उसके नाम रूप यश आदि के पीछे ना पड़ के जो मैं हूँ शाश्वत आत्मा परमात्मा का सनातन सपूत, मैं अपने परमात्मा को पाऊंगा, जानूंगा, परमात्मा को प्रार्थना करें, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, शास्त्र भक्ति भर देवे, इससे बुद्धि शुद्ध सात्विक होगी। जितने भी हाँ घाटे हैं, हानि हैं, दुख हैं, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम सर्व दोषाणाम, तो सारी बुद्धि, बुद्धि की कमजोरी से ही सारे जन्म मरण हो रहे हैं। प्रज्ञा अपराध, ये प्रज्ञा का अपराध मिटाने के लिए लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का बना ले और प्रज्ञा सात्विक रहे, ऐसा शास्त्र, ऐसा संग, ऐसा जप, ऐसा तप, ऐसा चिंतन कर। प्रज्ञा को गिराने वाला अशुद्ध आहार, अशुद्ध चिंतन, आलस्य, प्रमाद, झूठा मुंह, मैले कुचले दांत,
ऐसा प्रज्ञा को मंद करने वाले और भी कई कारण हैं। झूठ, कपट, बजारू खोराक, तमाश, सूर्योदय के बाद भी पड़े रहना, ये सब प्रज्ञा को मंद करने वाले। नारायण 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 नारायण। चाणक्य बोलते थे कि भगवान मेरा भाग्य अगर रूठ जाए तो तुम सब कुछ मेरे से छीन लेना, लेकिन मेरी बुद्धि नहीं छीनना। बुद्धि तो रहती है खटमल में भी, पूरी नहीं छीनी जाती है, लेकिन वह बुद्धि सात्विक बुद्धि, लक्ष्य पे टिकी रहे वो बुद्धि, ईश्वर प्राप्ति वाली बुद्धि, ईश्वर प्राप्ति बिना की बुद्धि तो मारी हुई है। पढ़ो जी। मैंने तुझसे तीन शरीर कहे थे, एक उत्तम, मध्यम और अधम। वे सात्विक, राजस, तामस, यही तीन गुण, तीन देह हैं। यही सबके कारण जगत में स्थित है। जब तामसी संकल्प से मिलता है, तब नीच रूप पाप चेष्टा कर्म करके महाकृपणता को प्राप्त होता है और मृतक होकर तामसी स्वभाव होता है, पड़ा रहना, उदंडता, तो बुद्धि नीच हो जाती है, करा करा खो देते हैं। राजसी होता है तो यहाँ के और वहाँ के भोग में भटकता है, और सात्विक होता है तो दिव्यता आती है, और फिर सात्विकता से भी पार बुद्धि छलांग मारती है गुरु कृपा से, गुणातीत। कठिन नहीं है, लेकिन उसकी तड़फ, उसकी प्यास हल्की बुद्धि में नहीं होती। हल्के कर्म करने वाले में, कपट करने वाले में, राग द्वेष करने वाले में, पक्षपात करने वाले में उस बुद्धि का प्रकाश नहीं होता जो ईश्वर को चाहे। इसीलिए बोलते हैं भाई राग द्वेष ना करो, कपट ना करो, झूठ ना बोलो, ताकि बुद्धि पुष्ट और ईश्वर प्राप्ति वाली, निर्णय वाली हो जाए। ईश्वर प्राप्ति का निर्णय होते ही सारे दोष मिटने लग जाएंगे, और ईश्वर को छोड़कर दुनिया को पाने की मति बनेगी तो कितने भी साफ सुथरे हो फिर भी कोई पट दोष आ ही जाएंगे, दुख आ ही जाएंगे। ईश्वर प्राप्ति से दुखों का अंत होता है, और फिर प्रारब्ध वेग से दुख आते हैं वो उसके लिए महत्व नहीं लगता। जैसे मीरा का इतना विरोध हुआ, शबरी को इतने दुख मिले, ध्रुव को, पहलाज को इतनी कठिनाई आई, लेकिन उनके लिए वो दुख नहीं होता, वो तो और आत्मबल बढ़ाते, क्योंकि लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति हो गया ना, तो लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति सारे दुख बल बढ़ाने वाले हो जाते और सारे सुख सेवा के साधन बन जाते। और लक्ष्य जब ईश्वर प्राप्ति का नहीं है तो दुख कमजोर कर देते, भयभीत कर देते, मूड बना देते, और सुख भोगी बना के खोखला बना देते। सुख भोगी बनाकर सुविधाएं सुख खोखला बना देते। समझो आप किसी की सेवा करते हो, उसको विश्वास में ले लिया तो आपको सुख सुविधा मिल गई, लेकिन सुख सुविधा से ईश्वर प्राप्ति के लिए आप सच्चाई कर रहे हैं कि सुख सुविधा भोग रहे हैं, तो उसका उपयोग करके ईश्वर प्राप्ति करते तो वो सुविधाएं आपके लिए प्रसाद हो जाती। अगर सुविधा मिली है और आप उपभोग करके टाइम पसार करते हैं तो बोझा बन जाते। तो केवल लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का होने से सारे सद्गुण और सारी सुंदर सुव्यवस्था होने लगती, और लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति का नहीं होने से कितनी कुतनी सुविधाएं, एक से एक सुविधाएं मिलती है, और आदमी भोग सामग्री में अपने विनाश का सामान पैदा कर देता है।